नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थ इंडिया। और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा चरक के कैलक्यूरी टैबलेट के बारे में। तो जी हां, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कैलक्यूरी टैबलेट है वो पत्थरी को किस तरीके से तोड़ती है, तोड़ने में क्या काम आती है या नहीं आती है, ये पत्थरी को बढ़ने से कैसे रोकती है, इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स मौजूद हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके चिकित्सा उपयोग होते हैं, आपको ये किस तरीके से लेना चाहिए, कितने समय तक लेना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो अगर आपको पथरी है या फिर मूत्र से संबंधी अन्य कोई तकलीफें हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, यहां पर आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस चरक के कैलक्यूरी टैबलेट के बारे में। और अगर आपने माय हेल्थ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन है तो उसे भी प्रेस कर देना। तो ये जो कैलक्यूरी टैबलेट है वो आपकी पथरी को तोड़ती है, इसके अलावा उसे दोबारा बनने से भी रोकती है। अगर आप इस कैलक्यूरी टैबलेट को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसको वहां से परचेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अन्य चरक के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर रिव्यू करूँ तब भी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स डाले गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो इसमें है यवास्कर, यसुद, पिस्टी, पुनर्नवा, गन्ना, पाषाणभेद, गोखरू, कुटकी, गिलोय, पत्थरफूल, वरुणा छाल। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे हर्बल्स डाले गए हैं, यहाँ पर मेंशन है। तो ये जो सारे हर्बल्स होते हैं वो आपकी पथरी को तोड़ते हैं, मूत्रमार्ग संबंधी अन्य रोग होते हैं तो उनमें भी ये हेल्प करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ये चरक की कैलक्यूरी टैबलेट। तो ये टैबलेट कुछ इस तरह की दिखती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो कैलक्यूरी टैबलेट है उसके फायदे क्या हैं। इस टैबलेट के सेवन से ये आपके मूत्र के पीएच को सही करता है और पेशाब में जलन को भी दूर करता है। ये पथरी को बनने से रोकता है और उसे गुलाकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा ये मूत्रल होता है, मूत्रवर्धक होता है, इससे आपको पेशाब ज़्यादा लगता है। इसका सेवन गुर्दे से छोटे पत्थरों को बाहर निकलवाने में मदद करता है। ये पेशाब की जलन और किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसे दूर करने में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर बात करें इसके चिकित्सा उपयोग की तो ये गुर्दे की पथरी के उपचार के लिए और उसकी रोकथाम के लिए उपयोग होता है। पथरी बार बार होती है तो उसे भी ये रोकने में हेल्प करता है। मूत्र में क्रिस्टल का उपचार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अन्य अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स है तो उसमें भी ये दिया जाता है। पुराने मूत्र मार्ग में जो संक्रमण होते हैं, क्रॉनिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। मूत्र मार्ग की सूजन है या फिर जलन होती है तो उसमें भी इसको दिया जाता है। पेशाब में अगर आपको जलन होती है तब भी इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गाउट है, हाइपर यूरिसेमिया है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर यहां पर बात करें इस कैलक्यूरी टैबलेट के सेवन विधि की तो आपको लेना है दो दो गोली दिन में दो बार सुबह और शाम। आप इसे खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है ताकि आपकी जो पथरी है वो बाहर निकल सके। इसके अलावा नींबू पानी आपको ज्यादा पीना है, नींबू में जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। कोई भी आप खट्टी चीजें ज्यादा खाइए जिससे आपकी जो पथरी है वो बाहर निकल सके। तो देखिए, खाने में आपको लिक्विड्स ज्यादा लेना है, चाहे वो बटर मिल्क है, चाहे वो पानी है, नींबू पानी है, किसी भी फ्रूट का जूस है वो आपको ज्यादा लेना है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है जिससे आपकी जो पथरी है वो जल्द से जल्द बाहर निकल सके। इसके अलावा फ्रूट में आपको ये भी ध्यान देना है या फिर सब्जी में आपको ध्यान देना है कि क्यूकुम्बर का सेवन नहीं करना है, खीरा नहीं खाना है, इसके अलावा टमाटर का भी सेवन आपको नहीं करना है। और अगर यहाँ पर बात करें कि ये जो कैलक्यूरी टैबलेट है उसका सेवन कब नहीं करना चाहिए या फिर सेवन के दौरान कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो अगर आप गर्भावस्था में हैं तब इसे ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको ले सकती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं 15 साल से कम उम्र के, उन्हें ये टैबलेट नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जो है अपनी शुगर जो है उसकी जाँच करते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे हर्बल्स होते हैं जिससे आपका जो शुगर का लेवल है वो इसे डाउन हो जाता है।